हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फिर मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे एक नया वीडियो में नया कंटेंट के साथ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे किया सोनेट ST 1.2 जो दोस्तों किया सोनेट का जो बेस मॉडल है, सबसे जो स्टार्टिंग मॉडल है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। किया कार जो कि बहुत ही अच्छे चल रहे हैं मार्केट में आजकल, इंडियन मार्केट में खास करके, और इसका NCAP ग्लोबल रेटिंग है 3 स्टार। बहुत ही अच्छी गाड़ी है और स्टाइलिश गाड़ी है, इंटीरियर इसका बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों अगर ये किया सोनेट ST 1.2 आप लेते हो ये गाड़ी को, तो आपको आ जाएगी कितना प्राइस में, आपको डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस आपको आ जाएगी तकरीबन 6,79,000 आपको आ जाएगी एक्स शोरूम प्राइस, तकरीबन 6,79,000 आपको आ जाएगी एक्स शोरूम प्राइस। देन रजिस्ट्रेशन आपको आ जाएगी तकरीबन 47,530 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 47,000 के आसपास आपको आ जाएगी रजिस्ट्रेशन। देन इंश्योरेंस आपको पड़ जाएगी तकरीबन 31,820 रुपये। उसके बाद अदर चार्जेस इसका है, कुछ चार्जेस ये भी लेते हैं कंपनी की तरफ से, वो आपको आ जाएगी तकरीबन 6,330 रुपये। उसके बाद फास्टैग, जैसे कि हर एक गाड़ी में फास्टैग आपको आती है 500 रुपये, इसका भी 500 रुपये है, फास्टैग आपको आ जाएगी 500 रुपये। तो ऑन रोड प्राइस आपको आ जाएगी, दिल्ली के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस आपको आ जाएगी तकरीबन 7,65,180 रुपये। जो दोस्तों 7,65,180 रुपीज़ आपको आ जाएगी ऑन रोड प्राइस। दोस्तों ये दिल्ली के हिसाब से प्राइस था। अगर आपके शहर में भी आपको जानना है कितना प्राइस एग्जैक्टली आपको आ जाएगी किया सोनेट STE, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही जवाब दूंगा। तो ये जो गाड़ी है बहुत ही अच्छी गाड़ी है, स्टाइलिश गाड़ी है, आप इसको ले सकते हैं फैमिली के लिए। स्पेशियस भी बहुत ही अच्छा स्पेस है, एंट्री लेवल कार के हिसाब से किया आपको बहुत ही अच्छा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट के और, जो कि हमारा है EMI सेगमेंट। अगर ये गाड़ी को आप लोन पे लेते हो, EMI पे लेते हो, आपको कितना आ जाएगी EMI? सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट देना होगा। डाउन पेमेंट जो होता है वो जो अपफ्रंट पेमेंट आप कंपनी को पे करते हो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आपको आ जाएगी तकरीबन 1,54,080 रुपये। जी दोस्तों तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, मतलब 1,54,000 आपको आ जाएगी डाउन पेमेंट। देन 10 ईयर आपका आ जाएगी 5 साल, आप चाहे तो 6 साल नहीं तो 7 साल भी कर सकते हैं, नहीं तो कम 10 ईयर वाला लोन भी कर सकते हैं, लेकिन 10 ईयर नॉर्मली 5 साल कार लोन के होते हैं, तो हम लोग 5 साल कवर कर रहे हैं। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कंफ्यूज रहता है हर एक कंपनी के हिसाब से, अपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये मैक्सिमम कंपनी में रिड्यूसिंग होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आ जाएगी तकरीबन 9%। तो दोस्तों कोई कोई कंपनी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, कोई कोई कंपनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आ जाएगी 9% रिड्यूसिंग। देन आपको EMI आ जाती है, जो सबसे उम्दा चीज़ है इस वीडियो का। EMI आपको आ जाएगी तकरीबन 12,685 रुपये। चलो दोस्तों 12,685 रुपीज़ आपको आ जाएगी EMI। दोस्तों ये EMI अगर आप देते हो तो ये गाड़ी को आप ले सकते हो 5 साल में, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही उम्दा अच्छी गाड़ी है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। हैव अ सेफ ड्राइव।